हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो सी प्रोग्रामिंग की है और खास तौर पर पॉइंटर को लेकर के है। तो यहां पर हमने एक फंक्शन बनाया, ये देख सकते हैं यहां पर एड नंबर्स नाम से फंक्शन बनाया है और इसके अंदर इंट टाइप का एक नम1 लिया, फिर यहां इंट टाइप का एक नम2 लिया और यहां पर सम नाम से लिया। ये तीनों ही पॉइंटर वेरिएबल है। यहां पे ये मल्टीप्लाई सा जो साइन दिख रहा है ये पॉइंटर की पहचान है, ठीक है। तो ये तीनों ही पॉइंटर है, ठीक है। और यहां पर जो है देख सकते हैं यहां पे, और ये एडिशन का प्रोग्राम है और यहां पे ऐड भी कराया गया। यहां पे मैंने मेन फंक्शन बनाया है, ठीक है, और यहां पे जनरल वेरिएबल दिया है, देख सकते हैं। और यहां पर प्रिंट एफ स्कैनअप जैसा कि देख सकते हैं ये लिखा गया है और यहां पे फिर ऐड करवा दिया गया इसे, और डिस्प्ले करवाने के लिए यहां पे देख सकते हैं इस तरीके से दिया गया। अब इसको चलाने की बारी है, तो यहां से जाएंगे और यहां से कंपाइल करवाएंगे इसको। तो कंपाइल करवाते वक्त ही हम इसे सेव करेंगे, तो इसे पॉइंटर के नाम से मैं सेव कर देता हूं, पॉइंटर डॉट सी, ठीक है। अब ये कर दिया हमने, अब ये सेव हो गया। तो देखिए कमेंट जो है प्रिंटिंग में नहीं आता है, ये जो लिखा है ना स्लैश करके, तो ये प्रिंट में नहीं आएगा। जब इसको चलाएंगे ना तो इसका केवल यही मतलब है कि आप देख लीजिए कि यहां पे पहला नंबर इनपुट करना है, यहां पे दूसरा नंबर इनपुट करना है, ठीक है। और अब इसको यहां से चलाने की जरूरत, तो यहां पे गए कंपाइल करवा दिया, सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया, कोई एरर नहीं है। अब रन करवा दिया तो यहां पे कह रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, तो 5 एंटर किया, एंटर द सेकंड नंबर तो यहां पे 8 एंटर किया, तो यहां पे देख सकते हैं इसका सम होके आ रहा है। तो ये मैंने पॉइंटर फंक्शन बनाया है, ऊपर देख सकते हैं यहां पे मैंने हेडर फाइल भी यूज किया है, देख सकते हैं आप। अगर हेडर फाइल नहीं यूज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसको हटा देते हैं तो, अगर आपको ऐसा लगता है कि हटा देने के बाद ये नहीं चलेगा तो बिल्कुल चलेगा, डोंट वरी। तो यहां पे इसे कंपाइल करवा दिया, कोई एरर नहीं है। फिर इसको रन करवा देते हैं तो भी कोई एरर नहीं, फिर वही चीज आ गई। तो यहां पे एक बार 90 रख लेते हैं, यहां पे 87 रख लेते हैं, देखिए टोटल होके आ गया, ठीक है। तो ये यहां पे पॉइंटर के साथ मैंने बनाया, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।